हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ गोधूली भाग टू की वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोधूली भाग टू लेसन नंबर फोर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनसे जितने भी मोस्ट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सभी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आप बोर्ड एग्जाम के खातिर, अच्छे स्कोर प्राप्त करने के खातिर वीडियो को अंत तक देखो, सारा क्वेश्चन आपको डिक्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि आपको जो है ये तीनों लेसन जो है डिक्लेयर हो चुका है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप में खोलकर हूँ। पहला देखिए, विश्व के दांत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और भारत से हम क्या सीखे हैं, ये तीनों जो है आपको बता चुका हूँ। सारा वीडियो हमारे चैनल पर है, सारा वीडियो को आप विजिट करो और हमारे डेस्कटॉप में भी ये सारा क्वेश्चन का PDF सेव रहेगा। जो भी जरूरत पड़ेगा सभी मैं ग्रुप में भेजूंगा, तो आप लोग को ग्रुप में ये सारा क्वेश्चन भेज दिया गया है। आप लोग जाकर अच्छे से स्टडी करिए विश्व के दांत और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में और हम भारत से क्या सीखे हैं। और इस फोर लेसन में नाखून से क्या बढ़ते हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो है आखिर तक बने रहिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं, पहला नंबर सवाल देखिए। पहला नंबर सवाल कहता है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, कामसूत्र में या मेघदूत में या महाभाष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का जो इतिहास होता है फ्रेंड्स वो किस पुस्तक में मिलता है, तो वो जाकर जो है कामसूत्र में मिलता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपका सेकेंड नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिएट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ठीक है, डीलिएट की उपाधि जो है किस विद्यालय पुस्तक किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि लखनऊ विवि से। ठीक है, लखनऊ विवि से हमारा ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, एक भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, थ्री नंबर सवाल कहता है, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्णतु लाकर आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से होता है। तो ये किस अंग से है, तो ऑप्शन देखिए, नख से, मुंह से, नाक से या आंख से। तो हमारा जो कहानी के चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है मानव के किस अंग से है, तो नख से है। ठीक है, नख मतलब जो होता है नाखून होता है। ठीक है, समझिएगा, नख मतलब क्या होता है, तो नख मतलब होता है नाखून है। तो हमारा जो है मानव के किस अंग से है, तो नाखून से है, यानी कि नख। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन जो है नख ही पूछेगा, तो ध्यान से, नख मतलब होता है नाखून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर नंबर सवाल देखिए, फोर नंबर सवाल कहता है कि अल तक्कत, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने में जरा सा मिस्टेक हो रहा है, अलतक का अर्थ है। ठीक है, अलतक का अर्थ है, ऑप्शन देखिए, तेल, आलता, हल्दी और साबुन। तो देखिए अलतक का जो अर्थ होता है, जैसे कि शादी होता है ना, जब शादी होता है तो दुल्हन के लगाया जाता है, तो उसको हम जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आलता होगा। ठीक है, आलता, आलता कहेंगे जो शादी में दुल्हन को लगाया जाता है पैर में, उसको कहेंगे हम आलता। ठीक है, तो हमारा इसका जो अर्थ होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली थी। द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली थी, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी आलोक पर्व पर। ठीक है, आलोक पर्व पर इसको मिला था द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस रचना पर मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर सवाल देखिए, कहता है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र था। प्राचीन मानव का जो है प्रमुख अस्त्र शास्त्र क्या था, तो ऑप्शन देखिए, नाखून, दांत, नाखून, पैर और पत्थर के औजार। तो प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शास्त्र था वो था नाखून। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनसे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और देख भी रहे, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही लाभदायक है। सेवन नंबर सवाल देखिए, आर्यों के पास था
आर्यों के पास क्या था जी? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ना ही लोहे के अस्त्र था, ना ही घोड़े था, ना ही मिट्टी का घर था, यानी कि इनमें से कोई नहीं, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था जी? तो कालिदास ने कहा था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नाखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, अंधुक पर, लाठी पर, एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो नाखधर मनुष्य जो है वो किस पर भरोसा कर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि एटम बम पर कर रहा है। ठीक है, किस पर कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। मनुष्य के मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि मनुष्य की जो मनुष्यता है वो यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो इसका जो है तथ्य किसका है, यानी कि ये तथ्य किसका है? तो ऑप्शन देखिए, महावीर स्वामी का, या गौतम बुद्ध का, या कालिदास का, या वात्स्यायन का। ठीक है, तो पढ़ने में जरा सा मिस्टेक हो रहा, वर्ड काफ़ी कड़ा है, तो आप लोग खुद से जरा सा माफ़ करेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी गौतम बुद्ध का। ठीक है, किसका था? तो वो जो है गौतम बुद्ध का था, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन देखिए, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रांता नारायण मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो निबंधकार है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर क्या होगा जी? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर सवाल कहता है, ओके मिटाता हूँ इसको, 12 नंबर सवाल देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य जो है वो किस विधि में लेखन नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहानी जो है बिल्कुल नहीं है, यानी कि कहानी के लेखन जो है नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। करेक्ट आंसर हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए जी, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना जो है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो ये जो है माती की मूरत। ठीक है, माती की मूरत ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों जो है अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा और हिंद साहित्य का आदित्य काल, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और यहाँ पर माती की मूरत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, द्विवेदी जी ने निर्लज्जा अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज्जा अपराधी जो है किसे कहा है? तो ऑप्शन देखिए, नाखून को, चोर को, डाकू को, या बदमाश को। तो द्विवेदी जो है निर्लज्जा अपराधी किसे कहा था? तो वो जो है फ्रेंड्स नाखून को कहा था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो वो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कामसूत्र जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्लियर है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर सवाल, शिक्षक का क्या अर्थ होता है? शिक्षक का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए जी, साबुन, महावर, दर्पण और मोम। तो शिक्षक का जो अर्थ होता है जी वो होता है मोम। ठीक है, मोम हमारा करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल, महाभारत क्या है?
महाभारत क्या है? तो ऑप्शन देखिए, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। ठीक है, तो महाभारत जो है वो है पुराण। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभारत क्या है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि महाभारत क्या है इसी प्रकार, तो बल्कि वो क्या है, पुराण है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सी रचित पाठ है? तो ऑप्शन देखिए जी, नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या अभिन्यु या मछली। तो 18 नंबर सवाल का आंसर जल्दी से आप लोग दे दीजिए, इसके लिए मैं आप लोगों को वेरी गुड कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है देना। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, ललित निबंध है, ललित निबंध है, तो वो ऑप्शन देखिए मछली का है, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या बहादुरी का है, या नौबत खाने में इबादत। तो ललित जो है वो किसकी निबंध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है ललित निबंध है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एवरीवन। 20 नंबर सवाल देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, और किस लेखक की पंक्ति है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा हमारा 20 का ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, किस लेखक की पंक्ति है? तो ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। 21 नंबर सवाल कहते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार की निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस प्रकार की निबंध है? तो ये जो है ललित निबंध है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस प्रकार की निबंध है? तो ये जो है ललित निबंध है, करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? ऑप्शन देखिए, तलवार, त्रिशूल, या इंद्र का वज्र, या कुछ भी नहीं। तो इसका हड्डी का जो क्या बना है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा, सी होगा, यानी कि इंद्र का वज्र बना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए 23 नंबर सवाल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1905 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को, 1911 ईस्वी को। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी को हुआ था, हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? अभी ये क्वेश्चन कवर किया ना, दो दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। 25 नंबर सवाल देखिए, सवाल कहता है क्या जी, देखिए ध्यान से देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी को हुआ था, और अब आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था जी। तो ऑप्शन देखिए, समस्तीपुर बिहार, या छपरा बिहार, या बलिया उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद, या उत्तर प्रदेश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती है। ठीक है, ध्यान से रखना, बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, देवताओं के राज से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राज से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, महादेव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्म। तो देवताओं के राज से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो वो जो है इंद्र को जो है संबोधित किया जाता है, हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
28 नंबर सवाल देखिए, नख यानी कि नाखून, मैंने शुरू में आपको बोला था नख मतलब होता है क्या, नाखून होता है, ध्यान से। तो यहाँ पर आपका अब आ गया है कि नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, ठीक है। नख या नाखून किसका प्रतीक है, ऑप्शन देखिए मानवता का या पशुता का या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो है आंसर देने के लिए काफी छात्र जो है प्रॉब्लम में फंस जाती है, इसका आंसर क्या होगा। कोई कोई स्टूडेंट तो मानवता मारते हैं, कोई कोई तो पशुता मारते हैं, लेकिन आपको आज पता चल जाएगा कि नाखून किसका प्रतीक है, तो वो जो है फ्रेंड्स वो मानवता का, सॉरी मैं भी मिस्टेक कर दिया, पशुता का प्रतीक है, ठीक है। नाखून जो है पशुता का प्रतीक है, मानवता का नहीं बल्कि पशुता का, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है, पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है, तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। करेक्ट आंसर हमारा 29 का ऑप्शन ए होगा, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन देखिए 1953 ईस्वी को, 1957, 1959 और 1961। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो सम्मानित उपाधि किया गया था वो कब किया गया था, तो वो जो है 1957 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, ठीक है, जीवन गलत लिखा गया है, किसके जीवन प्रतीक है, तो जो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वो किसके जीवन के प्रतीक है, तो वो जो है पांचवी वृत्ति के प्रतीक है, ठीक है, पांचवी वृत्ति के प्रतीक है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, मृत्यु कहाँ और कब हुई, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1979 ईस्वी को, और कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली की राजधानी क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताना दिल्ली की राजधानी क्या है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, हमारा ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली होती है, याद रखना, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन और बता दूं कि भारत की राजधानी भी नई दिल्ली ही होती है, ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलिए तो 34 नंबर सवाल देखिए, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियों जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस लेसन से जो हमारा नाम है क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस लेसन से आपको जो है 30 प्लस क्वेश्चन यानी कि 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कवर कराया हूँ इसकी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर आप पर्सनल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको पर्सनल ग्रुप में सभी प्रकार का नोट्स मिलेगा, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर सभी प्रकार का नोट्स मिलेगा, वनली आपको हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगा, गेस क्वेश्चन मिलेगा, नोट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सारा का क्वेश्चन का PDF मिलेगा। तो आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पर 7254-01-8562 इस नंबर से हमें व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें पर्सनल ग्रुप में ऐड होना है, तो ऐड करूंगा उसके लिए मात्र आपको 100 रुपया फी देना पड़ेगा और वो जो है साल भर के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है जितने भी लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं उसको ये सारा PDF जो भेज दिया जाएगा, और इनमें देखिए पूरा जो है क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए का ए वन का ए, 2 का B और 3 का A और 4 का B, तो सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ जो है मौजूद है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस WhatsApp से हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर ऐड करूंगा, आप जो है पेफोन या पेटीएम से आप सेंड कर सकते हैं।
ठीक है अभिमन, तो आज की स्टूडियो में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करने में कोई जो है शेयर कीजिए, और शेयर करने से आपको प्राप्त अच्छा क्या होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करो ताकि उसे भी कुछ हेल्प मिल सके। तो एवरीवन, मैं वीडियो में यही कहने वाला हूँ कि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें। चलिए हम वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।